शब्द तो चौकीदार सही है, मगर जो उनका व्यवहार होता है यहाँ का वो अच्छा नहीं होता। चौकीदार का मतलब चौकाना हर जगह पे होना चाहिए। मोदी जी ने कहा मैं भी चौकीदार। मोदी जी क्या चौकीदार, प्रधानमंत्री है वो। अरे वो बोले सच में? हाँ बोले होंगे, लेकिन है नहीं ना, कहने और करने में बहुत अंतर है। On 16th of March, Prime Minister Narendra Modi launched a campaign called hashtag मैं भी चौकीदार। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके रियल चौकीदार से पूछूं कि उनका क्या मानना है इस कैंपेन को लेकर। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्पेंड अ होल नाइट विद द रियल चौकीदार्स। एक चौकीदार बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मुख्य तो जगना जरूरी है, उसके बाद पहचान, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए कि ये आदमी अंदर का ही है कि बाहर का है, गाड़ियाँ ये अंदर बाहर हो रही हैं, हमारे अंदर की गाड़ी कौन सी जा रही है, बाहर की गाड़ी कौन सी जा रही है, ये होना जरूरी है। सिंह साहब ये बताओ कि अभी मोदी जी बोले एक कैंपेन शुरू किया उन्होंने मैं भी चौकीदार, ये सुना है कि नहीं? नहीं ये नहीं सुना। ये नहीं सुना? ये नहीं सुना आपने? जसवीर कैसा बनेगा चाय? बहुत बेस्ट, बढ़िया, अच्छी चाय। जैसे प्रधानमंत्री है मोदी, ठीक है, तो पूरे देश को देख रहे हैं, तो उसे ये इसका मतलब ये थोड़ा नहीं चौकीदार बता दो आप। अपनी अपनी निगाह से कैसे भी बोल जाए, कोई चौकीदार है, कोई चाय वाला है, कोई पकौड़े बेचने वाला है, जैसी जिसकी मर्जी वैसे बोल दिया, लेकिन मोदी के ऊपर कोई असर गिरने वाला नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ, काम करो ना, हम ये कहते कहने से कुछ नहीं होता, काम करो, कोई भी सही अच्छा भाई, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, काम करो बढ़िया। तो चौकीदार वाला काम करोगे तो चौकीदार बोलने में भी चलो सही है, बढ़िया। ईमानदारी है और चौकीदारी में क्या बोलते, अच्छा बात होता है चौकीदारी भी, कोई खराब बात थोड़ी। जागते रहो का मतलब ये होता है कि जैसे तुम सो रहे हो, बिल्कुल ऐसे मत सो कि तुम्हारा कोई हमारा कान ना हो पाए वैसा। लेकिन इसमें भी तो कितना चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। ये 30-35 किलोमीटर चलना। 30-35? तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठना पड़ता है हम लोगों को। अगर सुबह की ड्यूटी तो सुबह 5 बजे, शाम की ड्यूटी शाम को 5 बजे से हमें रूटीन अपना खाना पीना बना के टिफिन लगा के 7:30 बजे यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। उसके बाद 8 बजे अपना चार्ज लेना, 8 से 8 ड्यूटी करनी। नींद में मिलती है नींद? नींद का 4-5 घंटे, 24 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बस। और जैसे हमारा वीक ऑफ होता है? वीक ऑफ नहीं मिलता हमको कोई भी। छुट्टी का कैसे मिलता है? छुट्टी कैसे मिलती है? कुछ नहीं, अगर छुट्टी करके जाएंगे तो हमारा पैसा कट जाएगा। मैं तो 10,000 कट पिट के भाई मिल रहा सैलरी। घर के लिए बच जाता है? क्या बचता, कुछ नहीं, बीमार अगर हो जाओ उधार ही लेके निपट पाएगा। सेक्टर 21 में एक देवनाथ गिरी नाम का बिहार का ही था, वो वहाँ ड्यूटी करता था, पोस्ट पर ही गिर गया वो, गिर करके वो हॉस्पिटल ले आ गया, उसको हॉस्पिटल जाने के बाद वो डेथ कर गया, फिर भी सोसाइटी ने 5 रुपया नहीं दिया उसे, एक भी रुपया नहीं दिया। 5,000 दिया अभी तो सारे लेबरों से काट लिया गया। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग की LIC पॉलिसी वगैरह होती है, इंश्योरेंस वगैरह? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। तो आप लोग को तो ये जो जैसे ही आप लोग की ड्यूटी है, जो जॉब है, खतरा तो है? खतरा है ही, 12 घंटा खतरा रहते हैं। दिक्कतियाँ कुछ परेशानी आदमी इंसान के सामने होती तभी चौकीदारी करता के।
तो 1984 में इधर आ गया। इंदिरा गांधी मरी थी ना, जब हम नोएडा में आ गए थे अपना काम कर रहे थे, कहीं साबुन की फैक्ट्री थी, पहले तो साबुन की फैक्ट्री में काम किया, फिर उसके बाद में अपना काम सीखते रहा, काम करते रहा पेंटिंग का। फिर आप क्यों गार्ड की नौकरी में? बुजुर्ग हो गए अब, उतना हाथ भी नहीं काम करता ना जितना चाहिए मेरे को। अभी कितनी एज हो गई? अभी मेरा 60 होने वाला है। डर लगता है कभी? कभी डर लगता है? क्या चीज का? जान का? नहीं, डर की चीज का है? अब डरना होता तो अकेला कैसे ड्यूटी करते यहाँ पे? तो ये जब बातें नेता बोलते हैं, जितने नेता लोग हैं ना, वो नीचे काम कोई पकड़ के ऊपर बढ़ते हैं। कभी झाड़ू उठा लेंगे, झाड़ू उठाएंगे तो कैमरे के सामने, फिर चसाला पड़ा रहा है गंदा पूरा। हम लोगों में जागरूकता नहीं है, पहली बार तो यार ये बात है। अभी पूरा इंडिया कह रहा है मैं चौकीदार। सारा इंडिया चौकीदार है तो नहीं कहा। मैं हूँ चौकीदार। मैं हूँ चौकीदार।